हाय फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जेससी नॉवेल्स के सिलेबस में है, जो कि 10+2 लेवल का जो सिलेबस है उसमें है। तो ये स्टोरी का नाम है द नेकलेस। इसको लिखने वाले का नाम है गाय डी मॉपसेंट। ये स्टोरी एक लड़की के ऊपर में है जिसका नाम मैथलाइड है। स्टोरी शुरू करते हैं। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल्स बॉर्न एज द फेट हैड ब्लंडर्ड ओवर हर। ये जो लड़की है मैटलाइड, ये एक बहुत ही सुंदर और चार्मिंग गर्ल है, मतलब सुहावनी लड़की है। एज द फेट हैड ब्लंडर्ड ओवर है, लेकिन किस्मत उस पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, मतलब बदकिस्मत है। इनटू अ फैमिली ऑफ आर्टिशियंस, ये क्लर्क के परिवार से जन्मी है, क्लर्क के परिवार में जन्म ली है। सी हैड नो मैरिज ऑफ पोर्शन, नो एक्सपेक्टेशन, नो मीन्स ऑफ गेटिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड एंड वेडेड बाय अ मैन ऑफ वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन। उसके पास अपने चाहत को पूरा करने का कोई साधन नहीं है कि वो मतलब विख्यात हो सके, उसे लोग जान सके, पहचान सके, प्यार कर सके। एंड सी लेट हर्सेल्फ टू बी मैरिड ऑफ टू अ लिटिल क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क से हो जाती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि मेटलाइट्स के हस्बैंड कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए ये हाईलाइट किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्व कर्मचारी के एग्जाम में आ चुका है। हर टेस्ट वेयर सिंपल बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनी अदर। वो एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रही थी न चाहते हुए भी, क्योंकि उसके पास कुछ साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था कि वो एक बहुत ही हाई फाई जिंदगी व्यतीत कर सके। बट सी वॉज एन अनहैप्पी एज दो सी हैड मैरिड बीनीथ हर। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मतलब वो चाहती थी कि एक बहुत ही पैसे वाले से उसकी शादी हो, लेकिन एक मामूली से क्लर्क से उसकी शादी हुई थी। फॉर वुमन हैव नो कास्ट और क्लास, देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड चार्म सर्विंग देम फॉर बर्थ और फैमिली, देयर नेचुरल डेडिकेसी, देयर इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस, देयर निम्बलनेस ऑफ विट आर देयर ओनली मार्क ऑफ रैंक एंड पुट द स्लम गर्ल ऑन अ लेवल विद द हाईएस्ट लेडी इन द लैंड। इसके हिसाब से किसी भी लड़की के लिए उसकी सुंदरता, उसका ग्रेस, उसका जो चार्म है, मतलब उसकी जो चंचलता है, उसकी जो सुहावनापन है, उसका जो बात करने का अंदाज है, जो उसका जो मानसिक स्थिति है, वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होती, जो एक स्लम गर्ल को, एक मतलब एक खराब से खराब लड़की को एक अच्छी औरत बना देती है, अच्छी लड़की बना देती है। तो आगे है, सी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग हरसेल्फ बॉन्ड फॉर एवरी डेलिकेसी एंड लग्जरी। वो नाखुश थी, वो चाहती थी कि हम भी बहुत पैसे वाले होते, बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे होते। सी सफर्ड फ्रॉम द पुअरनेस ऑफ हर हाउस, फ्रॉम इट्स मीन वॉल। उसके घर के दीवार कैसे थे, एकदम फटे पुराने, कहने का मतलब है कि प्लास्टर्स उसके उखड़े हुए थे, एकदम गंदे दीवार थे, वोन चेयर्स एकदम गंदी कुर्सियां, पुरानी कुर्सियां थी, एंड अगली कर्टेंस और पर्दे भी एकदम खराब थे। All these things of which other women of her class would not even have been aware, tormented and insulted her. उसके उम्र की दूसरी औरत को ये ध्यान भी नहीं रहता है, इतना उतना ध्यान भी नहीं देती कि कितना पैसा है नहीं है, लेकिन इसको ये बात बहुत ही खलती थी, बहुत ही इंसल्ट करती थी, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग लगती थी। The sight of the little Breton girl who came to do work in her little house aroused heartbroken regrets and hopeless dreams in her mind. उसके घर में एक ब्रेटन गर्ल, एक ब्रेटन लड़की काम करने के लिए आती थी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़े बड़े ख्याल आते थे कि वो सी इमेजिन साइलेंट एंटी चैम्बर्स हैवी विथ ओरिएंटल टेपस्ट्रीज। वो सोचती थी कि उसके पास एक बड़ा सा कमरा हो, बड़ा सा एक वेटिंग रूम हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी बत्तियाँ लगी हुई हो ब्रोंज सॉकेट्स में, जहाँ पे कहने का मतलब है सारे राजा महाराजा वाले ख्वाहिश उसके थे कि गार्ड्स हो, ये हो, वो हो, वही यहाँ पे व्यक्त किया। फुटमैन सी नीड रिच स्लीपिंग इन लार्ज आर्म चेयर्स ओवरकम बाय द हैवी वार्मथ ऑफ द स्टोव। सी इमेजिन वास्ट सलून्स हंग विद एंटिक स्किल्स, एक्सक्यूट पीसेज ऑफ फर्नीचर सपोर्टिंग प्राइसलेस ऑर्नामेंट इन स्मॉल चार्मिंग परफ्यूम रूम्स क्रिएटेड जस्ट फॉर लिटिल पार्टीज ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स, मेन हु वेयर फेमस एंड सॉट आफ्टर, हुज होमेज roached every other woman's envious longings. वो चाहती थी कि उसके पास भी
बड़े बड़े गहने हो, बहुत ही कीमती कीमती गहने हो, फर्नीचर्स हो, परफ्यूम्ड रूम्स हो। और मैंने जैसा कहा था कि हर एक राजा महाराजा वाले एक राजा की तरह वो सपने देखती थी। When she sat down for dinner at the round table covered with a 3 days old cloth opposite her husband, who took the cover of the soup tureen. सूप ट्यूरिन मतलब एक बड़ी सी बड़े से पतीले या फिर बड़े से बर्तन में सूप रखा हुआ होता है। और जब वो अपने पति के विपरीत बैठती थी, जिसपे कि जिस जो जिस टेबल पे खाने के टेबल पे 3 दिन पुराना कपड़ा बिछा हुआ होता था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी चीजों को नोटिस करती है अपनी, मतलब गरीबी का को बार बार हाय हाय मन में सोचती कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तो उसकी उसका जो पति है वो खुश रहता है और सूप भी अच्छा से खुशी खुशी पीता, लेकिन इसे मन करता था कि इसके पास क्या हो, डेलिकेट मिल्स, ग्लीमिंग सिल्वर टेपस्ट्रीज, पीपलिंग द वॉल्स विद फोर्क। वो चाहती थी कि उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे खाना हो जो कि सिल्वर टेपस्ट्रीज, सिल्वर चांदी के बर्तन में हो, और उसके दीवार पे भी क्या हो, एकदम मतलब बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हो और बहुत ही अच्छी दीवारें हो उसकी। और वो हीरो हीरोइन के कुछ मतलब जो कुछ वैसे हैं, कुछ वैसे मूवीज या वैसे कुछ भी चीजों को सुन सके या देख सके और हंसे, और साथ में एस्पैरेजस चिकन की कोई टुकड़ा, कोई टांग या कुछ भी खाए और खुशी खुशी। कहने का मतलब है कि एक सपना, बड़े बड़े सपने देखती थी कि वो भी एक राजा की तरह, रानी की तरह जिए। सी हैड नो क्लॉथेस, नो ज्वेल्स, नथिंग। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई गहने नहीं थे, कुछ नहीं था लगभग। एंड दीज वेयर द ओनली थिंग्स सी लव, लेकिन वे इन्हीं सबसे प्यार करती थी। सी फेल्ट दैट सी वॉज मेड फॉर देम, वो सोचती थी कि इन सब चीजें उन्हीं उसी के लिए बनी है, लेकिन उसके पास में नहीं थे। सी हैड लॉन्ग सो ईगरली टू चार्म, टू बी डिजायर्ड, टू बी वाइल्डली अट्रैक्टेड एंड सॉट आफ्टर। वो इन सब चीजों को पाना चाहती थी, वो बहुत ही उत्सुक थी कि कितनी जल्दी वो अमीर हो जाए, कितनी जल्दी उसके पास गहने आ जाएं, नए नए कपड़े आ जाएं, नौकर चाकर आ जाएं, बड़े 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 कमरे हो, बड़े बड़े घर हो। सी हैड अ रिच फ्रेंड एंड स्कूल फ्रेंड होम सी रिफ्यूज टू विजिट बिकॉज सी सफर्ड सो कीनली व्हेन सी रिटर्न्ड होम। उसकी एक पुरानी दोस्त थी, स्कूल की दोस्त थी, जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टायर। आप वीडियो के शुरू में देखे होंगे कैरेक्टर में मैडम फॉरेस्टायर, ये इसकी बचपन की दोस्त है जो कि इसकी एक स्कूल फ्रेंड्स में भी हुआ करती थी, जो कि खासी रिच थी, पैसे वाली थी इसके मुकाबले में। जब वो वहां से लौटती थी तो सारा दिन रोते रहती थी, अपने दुख को और अपने गरीबी पे हमेशा रोते रहती थी जब वो लौटती थी वहां से। तब वन इवनिंग हर हस्बैंड का कम होम विथ एन एक्सल्टेंट एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। एक शाम को उसका पति नाचते हुए एकदम खुशी मन से एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर आया। हेयर इज समथिंग फॉर यू ही सेड, बोला कि देखो तुम्हारे लिए कुछ है। स्विफ्टली सी टोर द पेपर एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेयर दीज वर्ड्स। वो भी उस लिफाफे को खोलती है और उसके अंदर एक कार्ड होता है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है वो पढ़ी। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम रेम्पोन यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मॉन्सर एंड मैडम लोइजल एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी द 18th। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एक इन्विटेशन कार्ड होता है जो कि इसे इन पति पत्नी दंपतियों को दिया जाता है। टाइम क्या था, 18th ऑफ जनवरी मंडे, ये याद रखिएगा, 18th ऑफ जनवरी मंडे को पार्टी का डेट था। इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड, खुशी होने के जगह एज हर हस्बैंड होप, जैसा कि उसका पति सोचा था कि वो खुश होगी, सी फ्लंग द इन्विटेशन पेटलेंटली अक्रॉस द टेबल मरमरिंग। उसने उसे टेबल के अक्रॉस में फेंक दिया, टेबल पर फेंक दिया या फिर टेबल के आसपास कहीं फेंक दिया मरमरिंग। व्हाट यू वांट मी टू डू विद दिस, भुनभुनाते हुए। मरमरिंग का मतलब क्या होता है, भनभनाते हुए। व्हाट यू वांट टू मी टू डू विद दिस, तुम क्या सोचते हो मैं इसका क्या करूंगी। व्हाई डार्लिंग आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, क्यों प्रिय मैं तो सोचा कि तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाते। एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेशन, ये बहुत ही बड़ा अवसर है। आई हैड अ ट्रिमेंडस ट्रबल टू गेट इट, मुझे बहुत ही मुश्किल हुई इसे प्राप्त करने में। एवरीवन वांट्स वन,
सबको इसे चाहता था, इट्स वेरी सिलेक्टेड, लेकिन सबको नहीं मिला, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही पार्टी पर बुलाया गया था, एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क्स, यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर, वहां पे बहुत कम क्लर्क आएंगे, वहां पे बड़े बड़े लोगों को तुम देख पाओगी, ऐसा किसने कहा, मेटलाइट को उसके पति ने कहा, सी लुक्ड एट हिम आउट ऑफ फ्यूरियस आइज, उसे वो गुस्से भरी आंखों से देखते रही और कही, एंड व्हाट डू यू सपोज आई एम टू वियर एट सच एन अफेयर, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहनूंगी वैसे अफेयर पे, ही हैड नॉट थॉट अबाउट इट, ही स्टैमर्ड, उसका पति इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, वो स्टैमर्ड कर गया, वो हल्का सा झेप गया, हल्का सा कुछ जैसे कुछ समझ में नहीं आता था क्या होता है, एक हल्का सा उसे झटका टाइप का लगा, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इट लुक्स वेरी नाइस टू मी, क्यों नहीं जैसा तुम थिएटर में जाती हो कपड़े पहनकर वो तो बहुत ही अच्छा है, उसे पहनकर चलना, ही स्टॉप्ड स्टूपिफाइड एंड अटरली एट अ लॉस्ट व्हेन ही सॉ दैट हिज वाइफ वाज बिगिनिंग टू क्राई, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, स्टूपिफाइड, एक बुर्बक जैसा मुंह लेके चुप हो गया जब देखा कि उसकी पत्नी अब रोना शुरू कर दी, टू लास्ट टीयर्स कैन स्लोली डाउन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, उसके कोने से आंसू की दो बूंदे निकलकर उसके मुंह तक पहुंचने लगे, व्हाट्स द मैटर विथ यू, उसने पूछा क्या बात है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, ही फाल्टर, वो लड़खड़ाते हुए पूछा क्या बात है क्या बात है, बट विद अ वायलेंट एफर्ट शी ओवरकेम हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन अ काम वॉइस वीपिंग हर वेट चीक्स, नथिंग ओनली आई हैवंट अ ड्रेस, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे चिंता इस बात की मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं, हम पहन के क्या जाएंगे पार्टी में, जाओ अपना इनविटेशन कार्ड किसी और को दे देना जो इसके लायक है, जिसकी पत्नी इसके लायक है, जिसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, ऐसा मेटलाइट ने अपने हस्बैंड को कहा, ही वॉज अ हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया, उसके पति का दिल टूट गया, लुक हेयर मथाइल्ड, लुक हेयर मथाइल्ड, उसने कहा कि देखो इधर मथाइल्ड, ही परसिस्टेड, वट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अ सुटेबल ड्रेस, एक अच्छे ड्रेस की कीमत क्या होगी, विच यू कुड यूज ऑन द अदर ओकेजन एज वेल, समथिंग वेरी सिंपल, जिसे तुम अब दूसरे ओकेजन में भी पहन के जा सको, ऐसा सी थॉट फॉर सेवरल सेकेंड्स रिकॉर्डिंग अ प्राइस एंड ऑल्सो वॉन्डरिंग फॉर हाउ लार्ज अ सम शी कुड आस्क, कुछ देर तक वो सोचते रहे, सोची कि मैं कितने पैसे बोलूं, कितना में ड्रेस हो जाएगा, वो कुछ देर तक सोचते रहे, उसके बाद एट लास्ट सी रिप्लाइड विद सम हेजिटेशन, कुछ हिचकते हुए अंत में बोली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं पक्का तो नहीं बोल सकती, बट आई थिंक आई कुड डू इट ऑन 400 फ्रांस, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 400 फ्रांस में ये चीज हो सकता है, ये देखिए दोस्तों 400 फ्रांस, कितने अमाउंट में वो ड्रेस की मांग की, 400 फ्रांस, अपने कपड़ों के लिए उसने 400 फ्रांस की मांग की, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ही ग्रू स्लाइटली पेल फॉर दिस वॉज एग्जैक्टली द अमाउंट ही हैड बीन सेविंग फॉर अ गन, उसका पति ये हल्का सा अपसेट टाइप का हुआ, क्योंकि उसने 400, ये वही इतना ही पैसे उसने अपने शूटिंग निशानेबाजी के लिए लगाया था, जो कि अगले समर में वो जाने वाला था, बंदूक खरीदने के लिए उसने बचा बचा के रखे थे, नेवर्थलेस बोले कोई बात नहीं, वेरी वेल ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांस बट ट्राई एंड गेट अ रियली नाइस ड्रेस, बोले ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे दूंगा, लेकिन एक अच्छा कपड़ा जाके खरीदना इन पैसों का, मतलब पैसे वेस्ट मत करना अच्छे कपड़े का, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी की डेट नजदीक आ चुकी थी, मैडम लुइजल सीम सैड, फिर से मैडम लुइजल सैड दिख रही थी, मैथाइल लुइजल जो थी फिर से दुखी दिखने लगी, कपड़े खरीदने के बाद भी अनइजी एंड एनेक्सियस, अनइजी अच्छे अनकंफर्टेबल टाइप की हो गई थी, अनइजी एंड एनेक्सियस मतलब अनइजी एंड एनेक्सियस, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी को कुछ चीज चाहिए उसने मांगा, फिर से कुछ चीज चाहिए होता तो दोबारा मांगने में थोड़ा खराब लगता है, वही अनइजी एंड एनेक्सियस यहाँ पे उसी संबंध में कहा गया है, हर ड्रेस वॉज रेडी, हाँ उसकी ड्रेस तो बन ही चुकी थी, वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम उसके पति ने कहा, व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू हैव बीन वेरी ऑड फॉर द लास्ट 3 डेज, बोले कि तुम्हारे साथ क्या बात है, तुम पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हो, आई एम अटरली माइजरेबल एट नॉट हैविंग एनी ज्वेल्स, हाँ मुझे बहुत ही गरीब गरीब टाइप का महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई गहने नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन, यहाँ तक कि एक पत्थर तक नहीं है पहनने के लिए,
आई से लुक एब्सोल्युटली नो वन, अगर मैं पहनूंगी नहीं तो बहुत खराब लूंगी, आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, वियर फ्लावर्स, ये बोला कि फूल पहन लो, दे आर वेरी स्मार्ट एट दिस टाइम, इस सीजन में इस समय में ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, सुहाने सुहावने लगेंगे, फॉर ट्रेन फ्रांस यू कुड गेट टू और थ्री गॉर्जियस रोजेस, 10 फ्रांस में 2 या 3 गॉर्जियस रोजेस, अच्छे रोजेस हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन 10 फ्रांस में कितने रोजेस हो जाएंगे, 2 और 3 रोजेस हो जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 10 फ्रांस में कितने रोजेस हो जाएंगे, 2 और 3 रोजेस हो जाएंगे। She was not convinced, लेकिन वो खुश नहीं हुई। No, there is nothing so humiliating as looking poor in the middle of a lot of rich women. इससे ज़्यादा कुछ humiliating नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ खराब का बात नहीं होगा, गरीबी के बात नहीं होगा कि उतनी बड़ी-बड़ी औरतों के सामने हम एक फूल पहन के जाएंगे, सो भी 10 फ्रांस का। How stupid you are! Exclaimed her husband. उसके दोस्त ने एक exclaim करते हुए कि कितने मूर्ख हो तुम। Go and see Madame Forestier. जाओ मैडम फॉरेस्टायर के पास जाओ, वहां से कुछ लेके आओ। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ डिलाइट, वो भी खुश हो गई। मथायल जो थी उसकी पत्नी वो भी खुश हो गई, बोली हाँ एकदम सही बात है, आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। नेक्स्ट डे सी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर हर ट्रबल, अगले दिन वो अपनी दोस्त के पास गई और अपना ट्रबल बताई। मैडम फॉरेस्टायर वेंट टू अ ड्रेसिंग टेबल, मैडम फॉरेस्टायर उसे टेबल के पास ले गई, मतलब उसने अपना दुखड़ा उसे सुनाया और उसको ड्रेसिंग टेबल के पास में मैडम फॉरेस्टायर लेकर गई। टुक अप अ लार्ज बॉक्स, एक बड़े से बक्सा निकाली, ब्रॉट इट टू द मैडम लुइजल, मैडम लुइजल के सामने लाई, ओपेंड इट, खोली एंड सेड, और कहा चूज माय डियर, उसकी दोस्त इतनी अच्छी थी कि उसे जो मांगना जो चाहिए था उसने बोला कि जो लेना है ले लो एक बॉक्स। फर्स्ट सी सॉ सम ब्रेसलेट, शुरुआत में उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, ब्रेसलेट क्या होता है हाथ में पहनने वाला आप सब जानते हैं, देन अ पर्ल नेकलेस, उसके बाद कान वाला एक मोती का कान वाला था, सॉरी पर्ल, हाँ पर्ल नेकलेस, यहाँ शायद मोती का कान वाला था, देन अ वेनेटियन क्रॉस इन गोल्ड एंड जेम्स, ऑफ एक्सिक्यूट वर्कमैनशिप, शी ट्राइड द इफेक्ट ऑफ द ज्वेल्स बिफोर द मिरर, सारे एक एक करके सारे गहनों को वो आईने के सामने बैठ के देखते रही मेकअप करते, हैवंट यू एनीथिंग एल्स, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, जस्ट लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट यू वुड लाइक बेस्ट, मुझे नहीं पता देखो तुम्हें क्या चाहिए। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन केस अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, अचानक से उसने एक ब्लैक सेटिन के केस में एक काले बड़े से बक्से में क्या दिखा, एक हीरो का हार, एक सुपर्ब, एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सुहावना हीरो का हार दिखा, बहुत ही अच्छा बहुत ही कॉस्टली हीरो का हार दिखा। हर हार्ट बिगन टू बीट कन्विटियसली, हर हैंड ट्रेम्बल्ड एज शी लिफ्टेड इट, उसकी हाथ जैसे उठाया हल्का सा क्या हुआ कि कितना महंगा चीज है, अगर हमारे हाथ में कोई मान लीजिए कि कोई महंगी सी सेलफोन आ जाती, कोई महंगी सी सेलफोन अगर बहुत ही कॉस्टली मान के चलिए 50 to 60 thousand कॉस्टली सेल फोन, जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज 5000 6000 का करते हैं, उतना कॉस्टली सेल फोन आता है तो हम लोग कितना सावधानी से पकड़ते हैं, कितना अच्छा से पकड़ते हैं, बस वही चीज़ है, जब वो नेकलेस उठाई तो उसके औकात से बहुत ज़्यादा की थी, इसलिए बहुत महंगी थी, इसलिए उसे बहुत अजीब टाइप का उठाया। उसके बाद हेजिटेशन से उसने पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे दे सकती हो, सिर्फ यही, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, उसकी दोस्त ने कहा हाँ क्यों नहीं, मत मैथलाइट मैडम फॉरेस्टर ने कहा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन हर हैंड्स ब्रेस्ट इंप्रेस्ड हर फ्रेंकली एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर, उसने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और वो वहां से नेकलेस लेके चली आई। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया, मैडम लुइजल वाज अ सक्सेस, मैडम लुइजल वाज अ सक्सेस, सक्सेस कहने का मतलब है कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सी वाज द प्रीटीएस्ट वुमन प्रेजेंट, एलिगेंट ग्रेसफुल स्माइलिंग एंड क्वाइट अबव हरसेल्फ विद हैप्पीनेस, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, सबसे सुंदर पार्टी में सबसे सुंदर दिख रही थी। ऑल द मेन स्टेयर्ड एट हर, सभी मर्द उसे घूर रहे थे, इंक्वायर्ड हर नेम, उसकी नाम पूछ रहे थे, आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस टू हर, और चाह रहे थे कि उससे कोई उसका इंट्रोडक्शन करा दे। ऑल द अंडर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट वेर ईगर टू वाल्ज हर, द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी उसे नोटिस कर रहे थे, मतलब कहने का मतलब है कि हर एक मेल पर्सन उसे नोटिस कर रहा था और उसे बात करना चाह रहा था।
सी डांस्ड मैडली एक्सटैटिकली ड्रंक विथ प्लेजर विथ नो थॉट्स फॉर एनीथिंग द ट्रायंफ ऑफ हर ब्यूटी। वो नाची एकदम मदहोश होके नाची, ड्रंक विथ प्लेजर, खुशी खुशी पी, और उसे कुछ कुछ चीज की सोच नहीं थी, कुछ चीज की चिंता नहीं थी, सिर्फ अपने ब्यूटी में, अपने पार्टी में मगन हो चुकी थी। इन द प्राइड ऑफ हर सक्सेस, वो जान चुकी थी वो सबसे सुंदर दिख रही है, वो सी इंजॉय कर रही थी पार्टी को। सी लेफ्ट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बज चुके थे, उन्हें घर जाना था। सिंस मिड नाइट हर हस्बैंड हैड बीन डोजिंग इन अ डेजर्टेड लिटिल रूम इन अ कंपनी विद 3 अदर मैन हुज वाइव्स वेयर हैविंग अ गुड टाइम। उसका पति जो था वो मिड नाइट में आराम किया था कुछ कुछ दूसरे हस्बैंड्स के साथ, 3 हस्बैंड के साथ, जिनकी पत्नियां इसकी पत्नी के साथ में इंजॉय कर रही थी। वो आज अलग होकर उन 3 अलग आदमियों के साथ में रात में सोया था, जबकि इसकी पत्नी डांस कर रही थी। He threw over her shoulders the garments he had brought for them to go home in. पार्टी का ड्रेस तो थोड़ा सा भड़कीला था, अब उसको ऊपर से एक दुपट्टा टाइप का कपड़ा घर से लेके लाया गया था कि वो जाने समय उसे ओढ़ लेंगे, उसे दुपट्टा पहना लेंगे। तो उसे एक गरीबी टाइप का महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जो दुपट्टा था वो क्या था, पुराना था ऊपर से। तो वो सोच रही थी कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, तो जितनी जल्दी हो सके घर के लिए निकल जाना चाहिए। लुइजल रिस्ट्रेंड हर विट अ लिटिल, लुइजल उसका पति, मथाइल्ड का पति ने उसे रोका, बोला कि रुको रुको जरा सा, हम कोई कैब करते हैं, कोई गाड़ी कोई देखते हैं जिससे घर चला जाए, नहीं तो तुम्हें ठंड भी लग सकती है। But she did not listen to him and rapidly descended the staircase. When they were out there, they could not find a cab. They began to look for one, shouting at the drivers whom they saw passing in the distance. उसका पति बोलते रह गया, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया, वो स्ट्रीट पर थे, वो गाड़ी खोज रहे थे लेकिन कोई गाड़ी वहां से मिल नहीं रही थी। ड्राइवर्स को चिल्ला रहे थे लेकिन कोई गाड़ी वहां से मिल नहीं रही थी। They walked down towards the sign, desperate and shivering. ठिठुरते हुए चलते रहे और अंत में उसे एक पुरानी गाड़ी मिली जिसपे वो बैठकर अपने घर तक पहुंच गए, मतलब उसके दरवाजे रुइस डेस मार्टर्स तक वो गाड़ी उसे लेते गए। याद रखिएगा रुइस डेस मार्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। एंड सैडली दे वॉक्ड अप टू देयर ओन अपार्टमेंट, और उसके बाद वे अपने घर तक चले गए। इट वॉज द एंड फॉर हर। As for him, he was thinking that he must be at the office at 10. जैसा कि मथाल के पति को, मिस्टर लुइजल को 10 बजे ऑफिस जाना था। She took off the garments, अपने garments, वो जो मथाल थी वो अपने garments उतार रही थी। She had wrapped her shoulders so as to see herself, जैसे उसने दुपट्टा हटाया और आईने के सामने बैठी, अचानक से वो चिल्ला दी, The necklace was no longer round her neck. अब उसके पास वो देखी कि नेकलेस था ही नहीं, तो वो चिल्ला दी कस के, व्हाट्स द मैटर विथ यू, आस्क हर हस्बैंड, तुम्हारे क्या हुआ फिर, तुम्हारे साथ में क्यों चिल्लाई हो, ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, वो उसने कपड़े उतार दिए थे, अपने आधे कपड़े उतार चुका था। वो सी टर्न टुवर्ड्स हिम इन द अटमोस्ट डिस्टेंस, आई हैव नो लॉन्गर गॉट मैडम फॉर स्टैंड, अरे मेरे पास तो नेकलेस ही नहीं है, खो गया है, स्टेड विथ एन उसमें, अब उसकी भी आधी जान निकल गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, असंभव। They searched in the folds of her dress, in the coats, in the pockets, everywhere. They could not find it. Are you sure that you still had it on when you come away from the ball? He asked. क्या तुम्हें अच्छा से याद है कि जब तुम्हें ball, जो party, जो नृत्य समारोह है, उससे जब तुम आई थी, जब तुम party से निकली थी, तो क्या तुम्हारे पास था वो? तो yes, I touched it in the hall of the. बोला हाँ, बोली हाँ हाँ, जब हम ministry के hall में थे, तब तो मेरे पास में था. But if you had lost in the street. We should have heard it fall. लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रीट में, अगर रोड में चलते हुए अगर वो नेकलेस गिरता तो जरूर आवाज करता। Yes, probably we should. Did you take the number of the cab? No, you didn't notice it. Did you? क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या तुमने किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। They stared at one another, dumbfounded. At last, Luisel put on his clothes again. फिर से लुइजल कपड़े पहनता है और बोला कि जाते हैं जिस जिस रास्ते से हम लोग गए हैं वहां वहां चेक करके आते कि कहीं गहना पड़ा हुआ मिल जाए।
एंड ही वेंट आउट, और वो बाहर चला जाता। सी रिमेंट इन इवनिंग क्लॉथ, और जो मिथाइल थी मतलब मिसेस लुइजल थी, वो जो कपड़े पहने थे उसी पे इवनिंग के ड्रेस में दुखी होके रही। लैकिंग स्ट्रेंथ टू गेट इन टू द बेड, हडल्ड ऑन अ चेयर विदाउट वायलेशन ऑफ पावर ऑफ थॉट, हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट सेन। उसका पति 7 बजे वापस आता है, घर लौटता है, और उसके पास कुछ नहीं होता है, उसे कुछ नहीं मिला होता, खाली हाथ आता है दुखी मन से। इवेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन जाता है, न्यूज़पेपर में ऐड देता है कि जिस किसी को भी गहना मिलेगा, जो कोई भी लौटाएगा, वो उसे रिवार्ड दिया जाएगा। सी वेटेड ऑल डे लॉन्ग, वो पूरी दिन इंतजार करते रहता है कि कब मिले कब मिले कब मिले, बट कुछ हासिल। लुइजल केम होम एट नाइट, हिज फेस लाइंड एंड पेल। लुइजल रात को घर आता है और उसका चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम दुखी, एकदम थका हुआ, एकदम दुखी टाइप का होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला होता है। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, तब वो एक सुझाव देता है, अपनी पत्नी मिथाइल को एक सुझाव देता है कि अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टायर को तुम लिख दो कि एंड टेल यू दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस एंड यू आर गेटिंग इट मेंडेड, दैट विल गिव अस टाइम टू लुक अबाउट अस, ही रोट एट हिज डिक्टेशन। उसने बोला कि थोड़ा सा जो क्लास्प होता है, कोई जो हीरा हल्का सा कहीं, या वो जो ज्वाइंट होता है वो हल्का सा कहीं क्रेक हो गया है, तो वो हम बना के आपको फिर से दे देंगे, ऐसा उसने लिखने के लिए बोला। बाय द एंड ऑफ अ वीक दे हैड ऑल लॉस्ट ऑल होप, एक हफ्ता बीत चुके थे और सारे सारा होप खत्म हो चुका था। लुइजल हु हैड एज्ड 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट सी अबाउट रिप्लेसिंग द डायमंड्स। अब लुइजल लुइजल ने बोला कि अगर हमने तुमने लिया है अपनी दोस्त से, अगर उसको नहीं दोगे तो क्या होगा, इतना महंगा। हम बोला कि हम लोग उसे नया खरीद के वापस लौटा देंगे। नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स विच हैड हेल्ड द नेकलेस एंड वेंट टू द ज्वेलर्स। अगले दिन उन्होंने क्या किया कि वो बॉक्स जिसपे की ज्वेलर्स का नाम लिखा हुआ था, वो उस ज्वेलरी के दुकान पे गए जो डब्बे पे लिखा हुआ था, लेकिन वहां पे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, ये हमने सप्लाई नहीं किया है। उसके बाद वे एक दुकान से दूसरे दुकान चलते रहे उसकी तलाश में कि ये जो गहना है कहाँ का है, इस जैसा गहना कैसे मिलेगा। फिर उसने दुकान में गया, जो दुकान का नाम क्या था, पलाइस रोय। वहां पे उन्हें एक हीरो का हार दिखा जो कि एकदम एग्जैक्टली वैसा ही था जो कि हार लिया गया था। इट वॉज द वर्थ 40,000 francs। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कितना है, 40,000 francs दाम था पहले का। वो हीरो का हार का दाम दुकान वाले ने कितना बोला था, 40,000 francs। दुकान का नाम क्या है, प्लाइस रॉयल, जहाँ पे वैसा ही हार एकदम मिला जिसका दाम कितना था, 40,000 francs। लेकिन उन्होंने इसका दाम को तोल मोल करके कम करके 36,000 francs पे दुकान वाले को मनवा लिया। कितने पे मनवा लिया, 36,000 francs पे मनवा लिया। उन्होंने ज्वेलर्स को बोला कि अगले 3 दिन तक कृपया करके इसे न बेचे, क्योंकि उन्हें पैसों का जुगाड़ करना है। लुइजल के पास मैथलाइट के पति जो कि मॉन्सियर लुइजल थे, उनके पास में 18,000 francs था। याद रखिए 18,000 francs था जो कि उनके पापा ने उन्हें दिया था। मतलब इन हायरार्की और जैसा आप समझे कि उसके पापा विरासत में उसको दे के गए थे, ही इंटेंडेड टू बोरो द रेस्ट। लेकिन 18,000 अभी भी कम पड़ रहे थे, वो कहाँ से जुगाड़ होता। तो उसने क्या किया कि अलग अलग आदमी से कुछ 5 लुईस यहाँ से, 3 लुईस वहां से, 1,000 वन मैन से, 1,000 अदर मैन से, इस तरीका से कर करके बहुत सारे मनी लेंडर्स जो कि सूद पे पैसा लगाते हैं, वैसा तो इधर उधर से कैसे भी करके व्यवस्था किया गया। एग्रीमेंट बना, ही मोर्टेज द होल रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज एक्सपेंस, रिस्क हिज सिग्नेचर विदाउट इवन नोइंग इफ ही कुड ऑनर इट, एंड अपील एट द एग्नोसिंग। उसने तरह तरह के कागज पे सिग्नेचर्स किए, एग्रीमेंट किया कि वे पैसा लौटा देंगे, नहीं होगा तो फलाना ठिकाना। इतना भी नहीं सोचा कि अगर नहीं लौटाए तो क्या हो पाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ इस पैरा में। व्हेन मैडम लुइजल टुक बैक द नेकलेस टू द अमेरिकन फॉरेस्ट। अब
मैडम लुइजल, जब मैडम फॉरेस्टायर अपनी दोस्त के पास में जाती है और नेकलेस देती है, द लेटर सेड टू अ चिली वॉइस, लेकिन उसने एक चिली वॉइस में कहा था कि यू ऑट टू हैव बॉट इट बैक सूनर, लेकिन तुम्हें पहले देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत थी, बहुत लेट कर दी तुम्हें। सी डिड नॉट एज अ फ्रेंड हैड फियर्ड ओपन द केस, लेकिन मैटर मैथलाइट को ये अंदर से डर टाइप का था कि कहीं ये नोटिस ना कर ले कि ये दूसरे हीरो का हार है और हमें चोर ना समझ ले। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ भी एक पार्ट खत्म होता है। अब लास्ट पार्ट है, मैडम लुइजल केम टू नो द घास्टली लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। वो तो अमीर बनना चाहती थी मैडम लुइजल मैथलाइट, लेकिन अब जो जो कर्ज उस पर चढ़ गया था वो अब गरीबी से वाकिफ हो गई कि गरीबी चीज क्या होता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, लेकिन उसने अपना दायित्व अच्छे से निभाया था। उसने दिस फियरफुल डेब्ट मस्ट बी पेड ऑफ, सी वुड पे इट, दिस सर्वेंट वाज, इसे अपने कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने अपने नौकरों को हटा दिया। दे चेंज देयर फ्लैट, उन्होंने अपना फ्लैट भी बदल दिया और एक छोटे से छत के नीचे रहने लगे। सी केम टू नो द हैवी वर्क ऑफ द हाउस, अब वो जाने की कितना मुश्किल होता है घर का काम करना, किचन का काम करना। सी वॉश द प्लेट्स, वो प्लेट्स धोने लगी। वेयरिंग आउट हर पिंक नेल्स ऑन द कोर्स पोटरी एंड द बॉटम्स ऑफ द पैन, सी वॉश द डर्टी लिनन, गंदे कपड़े धोने लगी, उसे सुखाने लगी। अब कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन में खुद जाती थी और अब फूलों में पानी भरने लगी, यहाँ तक कि उसका सांस फूल जाता था, सॉरी सांस फूल जाता था, लेकिन फिर भी वो काम को करती थी। गरीब औरत के जगह, गरीब औरत के जैसा फलों की दुकान में खुद जाती थी सब्जी लेने, फल लेने के लिए, सॉरी बाय मिस्टेक, फलों की दुकान में फल लेने के लिए जाती थी टोकरी लेके, टू द ग्रोसर, टू द बूचर, अ बास्केट, हर जगह मतलब काम करती थी, एक नौकरों के जैसा जिंदगी हो गया था उनका। एवरी मंथ नोट्स हैड टू बी पेड ऑफ, अदरवाइज रिन्यूड टाइम अगेन, हर एक महीना इन्हें कुछ कर्ज का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। हर हस्बैंड वर्क इन द इवनिंग एट पुटिंग स्ट्रेट अ मर्चेंट्स अकाउंट, ऑफिस से आने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करने लगा उसका पति, एंड ऑफन एट नाइट ही, और उसके बाद रात में भी कुछ कॉपी पेस्ट का कुछ कॉपी करता था, जिसपे उसे क्या मिलता था, 2 पेंस हाफ पेनी अ पेज, एक पेज का कितना मिलता था, 2 पेंस हाफ पेनी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2 पेंस एंड हाफ पेनी, 2 पेंस एंड हाफ पेनी एक पन्ना पे उसको मिलता था कॉपी करने का। एंड लास्ट एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ऐसा ही 10 सालों तक चलता रहा। 10 सालों तक वे कोशिश करते रहे, मतलब काम करते रहे, नौकरों के जैसा काम करते रहे, और उसका पति भी दिन भर काम करता था, रात में काम करता था कि कैसे भी कर्ज उतारा जाए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद एवरीथिंग वॉज पेड ऑफ, हर चीज पेड ऑफ हो चुका था। एवरीथिंग, द यूजर्स चार्जेस एंड द एक्युमुलेशन ऑफ द सुपर इम्पोज्ड इंटरेस्ट, जो चार्जेस थे इंटरेस्ट के साथ में सूद और पैसा दोनों दे दिया गया था, मतलब कर्ज सारा उतर गया था। मैडम लुइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, लेकिन मैडम लुइजल अब कैसी दिखने लगी थी, बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम लाइक ऑल द अदर स्ट्रॉन्ग हार्ड कोर्स वुमेन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड, दूसरे औरतों के जैसा अब बूढ़ी दिखने लगी थी, जो कि बहुत ही मजदूर जैसे आप देखते होंगे मजदूरी करने वाली औरतें कैसी लगती है, कड़ी टाइप की, बूढ़ी टाइप की, वैसा ही दिखने लगी थी। हर हेयर वाज बैडली डन, उसकी बालें बिखरे हुए टाइप के हो गए थे। हर स्कर्ट्स वेयर और ही, उसके स्कर्ट्स भी उसी टाइप के खराब टाइप के हो गए थे, गंदे टाइप के। हर हैंड्स वेयर रेड, उसके हाथ लाल हुए, इतना काम कोई करे तो हाथ तो लाल हो गए ना। सी स्पोक इन अ श्रिल वॉइस एंड द वाटर स्लोप्ड ऑल ओवर द फ्लोर्स व्हेन शी स्क्रब्ड इट, बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी सैट डाउन बाय द विंडो एंड थॉट ऑफ दैट इवनिंग लॉन्ग अगो ऑफ द वॉल एट व्हिच शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड सो मच एडमायर्ड, कभी कभी वो खिड़की के पास बैठ के सोचती थी कि कैसा था वो दिन, कैसा था वो पार्टी जब उसने नेकलेस भुलाया था, अगर वो नहीं भुलाया होता तो आज का दिन कैसा होता। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नेवर लॉस्ट दोज ज्वेल्स, हु नोज हाउ स्ट्रेंथ लाइफ इज, हाउ फिटल, हाउ लिटिल इज नीडेड टू रुइन और टू सेव, कौन जानता है कि जिंदगी कैसी होती है, कितनी छोटी सी चीजों से जिंदगी बदल जाती है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, एंड ऑल दैट इज that is the life. One Sunday, एक रविवार को, as she had gone for a walk along the Champs Elysees to freshen herself,
याद रखिएगा, चैम्स एलाइसिस कहाँ घूमने गई थी? चैम्स एलाइसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैम्स एलाइसिस, वन डे एज सी हैड गॉन फॉर अ वॉक अलोंग द चैम्स एलाइसिस टू फ्रेशन हरसेल्फ आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक। हफ्ता के काम के बाद, बहुत ही कड़ी मेहनत जो वो करती थी, उसके बाद जब वो एक बार घूमने के लिए निकली, ताजी हवा लेने के लिए निकली चैम्स इलियास में, सी कॉट साइट सडनली ऑफ अ वूमेन हु वाज टेकिंग अ चाइल्ड आउट फॉर अ वॉक। अचानक से एक औरत को देखती जो बच्चे लेके घूम रही। इट वॉज मैडम फॉरेस्टायर, वो मैडम फॉरेस्टायर थी, स्टिल यंग, अभी भी सुंदर थी, जवान थी और बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मैडम लुइजल वॉज कॉन्शियस ऑफ सम इमोशंस, शुड सी स्पीक टू हर? यस सर्टेनली, नाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। अब वो सोची कि क्या मुझे बता देना चाहिए सारी चीज, तो वो सोची, फिर सोची, हाँ, क्यों नहीं, हमने तो सारा कर्ज उतार दिया है। मैथलाइट ने सोचा कि हमने तो सारा कर्ज उतार दिया, तो अब सारी बात इसे बता देनी चाहिए। सी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जीने, उसने उसके पास गया और कहा गुड मॉर्निंग। द अदर डिड नॉट रिकोगनाइज हर एंड वॉज सरप्राइज एट बींग दस फैमिलियर एड्रेस्ड बाई ए पुअर वूमेन। लेकिन वो जो उसकी जो दोस्त थी, उसकी हुलिया, उसकी जो देख के उसे पहचानी नहीं, सोचे कि कौन सी ऐसी, कौन गरीब औरत है जो मुझे एक जाना पहचाना आवाज में बोल रही। बट मैडम सिस्टम बट आई डोंट नो, बोली कि तुम कौन हो, मैं तो नहीं जानती हूँ तुझे, यू मस्ट बी, मैं कि तुम कोई गलती कर रही। नो आई एम मैथलाइट लूजर, नहीं, मैं गलती नहीं कर रही, मैं मैथाइल लूजर हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसकी दोस्त चीखी, ओह माई पुअर मैथाइल, हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसे बदल गए। यस आई हैव सैड, यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई सॉ यू लास्ट इन मैनी सरोज एंड ऑल ऑन योर अकाउंट। बोला कि हाँ, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, बहुत हम बहुत बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत से काम किए हैं, बहुत लेबर किए हैं, वो सब सब तुम्हारे चलते हुआ, ऑन योर अकाउंट। ओ माई अकाउंट, हाउ वॉज दैट, मेरे चलते कैसे? यू रिमेम्बर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री, क्या तुम्हें याद है जो तुमने मुझे हीरो का हार दिया था पार्टी के लिए, मिनिस्ट्री में जो पार्टी था, नृत्य समारोह था, उसके लिए जो हीरो का हार दिया था। यस वेल, हाँ एकदम वेल, आई लॉस्ट इट बट मैंने उसे खो दिया। हाउ कुड यू, वाई ब्रॉट इट बैक, जब तुमने खो दिया तो तुमने फिर वापस कैसे लौटाया, उसकी सहेली ने बोला। आई बॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट, मैंने वो उसके जैसा लौटाया, मैंने वो नहीं लौटाया, मैंने उसके जैसा हीरो का हार तुम्हें लौटाया। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन पेइंग फॉर इट, और पिछले 10 सालों से हम लोग इसके लिए पे कर। यू रियलाइज इट वाजंट इजी फॉर अस, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट एंड आई एम ग्लैड इंडीड, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमने कर्ज लिया और जैसे तैसे करके चुका, लेकिन अब हम खुश हैं कि हमने सारा कर्ज उतार दिया। किसने कहा? मैथाइल ने कहा। मैडम फॉरेस्ट हैड हॉल्टेड, इतना सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टर क्या हुई, अचानक से उसे अंदर से लगा। यू से यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, उसने कहा कि क्या तुमने मेरे डायमंड नेकलेस, अपना डायमंड नेकलेस दिया मेरे नेकलेस के जगह पे। यस हाँ, यू हैडन नोटिस, क्या तुमने देखा नहीं, देवेर मच अलाइक, एक एक जैसा तो था, लेकिन फिर भी तुमने क्या, तुमने गौर नहीं किया। एंड सी स्माइल्ड इन प्राउड इन इनोसेंट हैप्पीनेस, और उसने एक भोलेपन सा मुस्कान मार दिया। किसने मुस्कान मारा? मैथाइल ने। मैडम मैडम फॉरेस्टायर डीपली मूव्ड, मैडम फॉरेस्टायर को अंदर तक लगा, अंदर तक ये बात चुभी। टुक हर टू हैंड्स, उसकी हाथों को अपने हाथों में लेके बोला, ओह माय पुअर मैथाइल, बेचारी मैथाइल, बट माइन वाज इमिटेशन, बट मेरा तो नकली था, मेरा हीरो का हार क्या था, नकली था। इट वाज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 फ्रांस, उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रांस की थी। यही कहानी थी दोस्तों, और यही मेन पार्ट था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि कितना दाम था उस फेक नेकलेस जो कि मैडम फॉरेस्टायर ने मैथाइल को दिया था, उसका दाम कितना था? 500 फ्रांस। तो ये कहानी एक लड़की की होती है जिसे पैसों की चाहत होती है, और वो अपने एक सहेली से गहने उधार पे लेती है और फिर उसे खो देती है। उसी पे स्टोरी है कि वो बहुत ही कड़ी मेहनत करके उस गहने का दाम चुकाती है, उसके जगह दूसरे गहने देती है, उसके लिए जो कर्ज लेने पड़ते हैं उसका दाम चुकाती है। इस कहानी का थीम क्या हो सकता है दोस्तों, शीर्षक क्या हो सकता है? ये कहानी
बताया गया है कि मथाल्ड जो थी मतलब एक औरत की बाहर की खूबसूरती और अंदर की चाहत दोनों अलग अलग थी। बाहर की खूबसूरती अंदर की चाहत दोनों अलग अलग थी। उस खूबसूरत तो थी लेकिन अंदर से नाखुश थी। वो चाहती थी पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, और उसी के चलते उसे लास्ट में सफर करना पड़ा, बहुत ही नौकरों वाली जिंदगी बितानी पड़ी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये एक छोटा सा प्रयास, मेरा ये एक छोटी सी पहल आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं JSSC की और बहुत सारी वीडियोस लोड करने वाला हूँ, और इस द नेकलेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट भी इसके पार्ट में लोड करूंगा। और होप करता हूँ कि मेरा ये कोशिश अच्छी लगी होगी आपको। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।